तो वर्षा ऋतु पे माइंड मैपिंग चल रही है, चैप्टर का नाम अनोखी बारिश। बहुत सारे शब्द ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं एंड ग्रुप नंबर 5 का देखते हैं कितने शब्द लिख पाते हैं। जो के स्टॉप 5 हो गए, कितने शब्द लिख पाए हैं सर? पानी की बचत। पानी की बचत कैसे होगी वर्षा ऋतु में भाई? अच्छा, बचत हो जाएगी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होगा। और मिट्टी की सुगंध भीगना, वेरी गुड। और मिट्टी की सुगंध, मिट्टी की सुगंध। धूप, धूप कैसे? धूप सर सन आ रहा है बारिश के बाद। आसमान से क्या कनेक्शन है? आसमान से गिरती है। ओके, और सर नाचना, नाचना। वाओ भाई, नाचने में मजा आ जाता बारिश में। ओके, कितने शब्द हो गए ग्रुप नंबर 5 के? काउंट करो, 5, 6। ग्रुप नंबर 6 देखते हैं कितने शब्द लिख पाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक ने लिखा है क्या अंधेरा है? यस, कनेक्शन है। एक ने लिखा मेंढक है ना, बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और हरियाली तो बरसात में होगी क्या? ग्रुप नंबर 7 आराम से। ग्रुप नंबर 6 का हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5। स्टॉप। तो ग्रुप नंबर 7 ने लिखा सुहाना मौसम। और क्या लिखा? और कीड़े, मच्छर भी लिख दिया। वेरी गुड, 3। तो दोबारा से आ जाओ ग्रुप नंबर 1 आ जाओ, और लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जहां जगह मिल रही है वहीं लिख दो। 1, 2, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4, 5। स्टॉप। पौधों का क्या कनेक्शन है? ओके, तो अभी हम विनर घोषित करेंगे ग्रुप नंबर 5। एक बार ग्रुप नंबर 5 के सारे मेंबर खड़े होना। ग्रुप नंबर 5, एक बार जोरदार तालियां बजा दो ग्रुप नंबर 5 के लिए। एक्टिव ग्रुप है, सबके पास वर्ड्स हैं, सबके पास थॉट हैं, और सबका माइंड क्लिक जल्दी करता है, और सारे मेंबर अच्छे से ग्रुप में काम कर रहे हैं। ऐसे आपका ग्रुप भी होना चाहिए। चलिए दोबारा से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। आ जाओ, आ जाओ। हो गया 2 का। पतनाला क्या होता है सर? ये जो पाइप लगा होता है ना, छत से जो पाइप लगा होता है उसे पतनाला कहते हैं। ओके, सावन, गुड। क्या रिपीट हुआ? आ जाओ ग्रुप नंबर 3। वेरी गुड, लिखना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया, सुंदर दृश्य है। कनेक्शन गुनगुनाने का है। और क्या है ये? क्या लिखा हुआ है ये? डे कौन सा? बुखार डे। तूफान किसने लिखा? ओके, तूफान सही वर्ड। ओके, अभी हमारे पास एर्थ बी से माइंड मैपिंग वर्षा ऋतु से बहुत सारे ढेर सारे शब्द आ गए हैं, जो कि आप ही के शब्द हैं। इसमें टीचर का कोई रोल है क्या? देखो कितना अच्छा काम चल रहा है, टीचर कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी हम बहुत सीख रहे हैं। तो सारे माइंड मैपिंग वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनसे बनाएंगे स्टोरी। क्या बनाएंगे? स्टोरी। और उस स्टोरी का क्या करेंगे? रोल प्ले। वेरी गुड, कौन सा ग्रुप एक्टिव है? अब आपका काम शुरू, स्टार्ट।